हाँ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अशोक अग्रवाल और आज आप सबके बीच अपनी नई वीडियो के साथ कुछ नई जानकारी देने के लिए। दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से गंभीर समस्या के ऊपर बात करने आया हूँ मैं। और आज अपनी लाइफ में हर आदमी कुछ न कुछ बेहतर चाहता है, कुछ न कुछ पैसा कमाना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और सपनों को पूरा करने के लिए वो 15, 16, 17, 18 साल की पढ़ाई लिखाई करता है और उस बेहतर लाइफ के लिए आगे बढ़ने के लिए वो कुछ नौकरी की तलाश करता है। किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है। जिसको मिल जाती है वो अपने आप को कुछ नसीब समझता है, जिसको नहीं मिलती है वो ढूंढता रहता है। लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस माइंडेड हैं, जिनके पास कुछ पैसा है, वो उन पैसों को इकट्ठा करता है और कोई दुकान खोल लेता है, कोई छोटा मोटा काम कर लेता है, कोई रोजगार स्टार्ट कर लेता है। लेकिन बाद में उसको फील होता है कुछ लोगों का रोजगार चल जाता है, कुछ लोगों का रोजगार नहीं चलता है, तो परेशान होते हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको ये समझ में आ गया, अगर 50 साल की इनकम आपने लेनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप 50 साल की इनकम मात्र 5 साल में ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी समस्या है। आखिर कैसे पहचाने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कौन सी नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत सही है या खराब है? आज अगर मैं हिंदुस्तान की बात करके चलूं, एक अनुमान के हिसाब से करीब करीब हिंदुस्तान के अंदर 30,000 से ज्यादा नेटवर्क इंडस्ट्री है जो पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछाई हुई है। अगर आप देखते हैं, गूगल पे भी चेक करते हैं, अपने सराउंडिंग में भी जाते हैं, रोज कोई नई कंपनी खुल रही है, रोज कोई नई कंपनी बंद हो रही है। समझ में नहीं आता हम इसमें क्या करें, कहां जाएं। दोस्तों किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से, किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने से पहले आपको लगभग 5 बातों का ध्यान रखना बहुत 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 जरूरी है। वो 5 बातें कौन सी है, आप मेरी इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, वो 5 बातें आपका जीवन बदल सकती है। दोस्तों इसको ध्यान में रखना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 2 चीजें महत्वपूर्ण रूप से देखी जाती है। अक्सर लोगों का कहना है कि 2 तरह की कंपनियां हैं, एक बाइनरी सिस्टम और एक नेटवर्क मार्केटिंग। इन दोनों सिस्टम में बहुत बड़ा अंतर है। दोस्तों बाइनरी और नेटवर्क बिजनेस के बारे में मेरी ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने इसका डिफरेंसेस बताया हुआ था, लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं उसका अंतर बताऊंगा। पहला आपने जो चेक करना है नेटवर्क मार्केटिंग पसंद करने से पहले, कि वो कंपनी बाइनरी है या नेटवर्किंग है। अंतर क्या है दोस्तों, एक कंपनी अगर मैं बाइनरी की बात करके चलता हूं, बाइनरी मतलब 2, 1 लेग लेफ्ट 1 लेग राइट। अधिकतर लोग यही कहते हैं आप 2 लोगों को ज्वाइन करा दीजिए हमारे साथ, बाकी हम देख लेंगे। दोस्तों अगर ऐसा ही होता तो अक्सर कंपनियों में लोग फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि 1 लेग बहुत लंबी हो जाती है और 1 लेग छोटी सी रहती है जिसके बाद पैसा नहीं आ पाता है। मैं एग्जांपल के तौर पर लेके चलूं, अगर मैं धीरू भाई अंबानी जी की बात करूं, बाबा रामदेव जी की बात करूं, आज वो लोग अपनी कंपनी की फ्रेंचाइज देते हैं, एजेंसीज देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं, क्या वो 2 लोगों को दे रहे हैं? नहीं, वो अनलिमिटेड लोगों को दे रहे हैं। वो अनलिमिटेड लोगों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क का मतलब होता है नेट मीन्स जाल, वर्क मीन्स काम करना, यानी जाल बनाकर काम करने का मतलब होता है नेटवर्क, न कि बाइनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 लोगों पर काम करना, वो नेटवर्क नहीं है। दूसरी चीज महत्वपूर्ण चीज यहां पर बात आई दोस्तों, कंपनी कोई भी हो प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए। अगर कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं है तो वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगी, किसी न किसी दिन किसी स्कैम में फंस जाएगी और आपकी मेहनत की कमाई हजारों लाखों रुपए डूब जाएंगे। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ये बोलते हैं 1,000 रुपए लगाओ, 2,000 रुपए लगाओ, 5,000 रुपए लगाओ और पैसे कमाओ। दोस्तों कंप्लीट मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें प्रोडक्ट का कोई मूवमेंट नहीं होगा तो टर्नओवर कैसे होगी, और जहां टर्नओवर नहीं होगी तो इनकम कैसे होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सोचने की जरूरत है। दोस्तों तीसरी चीज हम बात करके चलते हैं यहां पर, कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड है, कंपनी
तीसरी महत्वपूर्ण बात, मार्केट में कुछ कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड तो है लेकिन वहां पर वो लोगों की सैलरी भी बांध देते हैं। आप 5,000 रुपए लगाओ, आपको 24 महीने तक 1500-1600 रुपए महीना आता रहेगा। साहब सोचने की बात है, आप नेटवर्क इंडस्ट्री में जा रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो, सैलरी कैसे 5,000 रुपए लेके वो आपको 24 महीने तक 1500 रुपए महीने कैसे दे सकता है? एट द एंड कंपनी भाग जाती है, फिर हम रोते हैं। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रोडक्ट जो होने चाहिए आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और आज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है सेहत। सेहत दोस्तों, कहते हैं कि हॉस्पिटल में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी आज हॉस्पिटल में पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि सेहत संबंधी कभी हम काम करते ही नहीं है। पांचवी चीज, मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट पे काम कर रही है। अगर मैं डेली नीड्स के प्रोडक्ट की बात करके, चलो आप सभी समझ सकते हैं, जो हमारे आसपास के परचून की दुकान में चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, क्या वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है? ये सोचने की जरूरत है। जो चीज हमारे पड़ोस में अवेलेबल हो सकती है, हम उसका बिजनेस कैसे डेवलप कर पाएंगे? हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे कि वो चीज अच्छी है जो पड़ोस में बिक रही है, या जो मैं दे रहा हूं वो अच्छी है? जब तक किसी चीज का कंपैरिजन नहीं होगा, ग्राहक संतुष्ट नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। अदरवाइज आप मेहनत करते चले जाएंगे, सफल सिर्फ वही आदमी होगा जो किसी भी कंपनी में टॉप लेवल पे बैठा होगा। हमेशा एक चीज को ध्यान दे के देख सकते हैं, आपकी सराउंडिंग में, आपकी कंपनी में, आपकी टीम में अचीवर्स वही है जो टॉप पर है। अगर आप टॉप पर जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट इस पांच बातों का ध्यान दीजिए, आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है।